बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अफजाल अरशद है, आपके साथ कौन फूड्स कुकिंग चैनल के ऊपर हाजिर हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं फिर उनको आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का पकौड़ा। शादियों के ऊपर बहुत फेमस ये एक डिश है जिसको शादी हालों पे, पकवान सेंटरों पे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। फ्राइड चिकन से बहुत मिलती जुलती रेसिपी है, लेकिन एट दी सेम टाइम बहुत डिफरेंट रेसिपी है। मतलब फ्राइड चिकन एक डिफरेंट चीज़ है, चिकन पकौड़ा एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन दोनों फ्राई होते हैं इसलिए फ्राइड चिकन के अंदर ही आते हैं। मैं ले रहा हूँ 2 किलो चिकन। जैसे विंग है, इसका जो सिंगल बोन वाला हिस्सा है ये पूरा होना चाहिए, डबल बोन वाला पूरा होना चाहिए, और बोटी जो है वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, नॉर्मल साइज़ की, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ड्रमस्टिक आपकी पूरी होनी चाहिए ताकि ये टूटे ना, और बाकी जो है थाई के पीसेस वो इसी तरह छोटे ही होने चाहिए। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूं कि बहुत सारे शहरों के अंदर जो चिकन पकौड़ा है वो बोनलेस चिकन से बनाया जाता है, सीने से, लेकिन जो बेहतर चिकन पकौड़ा है वो हड्डी के साथ बनाया जाता है। अगर साधारण पंजाब की आप बात करें, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर मोस्टली चिकन पकौड़े को हड्डी के साथ बनाया जाता है, तो उसी रेसिपी को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि जो हड्डी वाला चिकन होता है वो ज़्यादा जूसी होता है, खाने में उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले सबसे हमने धोना है। उस पर्पज़ के लिए किसी एक खुले बर्तन के अंदर ये चिकन को शामिल कर लें। 2 किलो चिकन है, उसी हिसाब से मैं आपको अब सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसके अंदर हमने शामिल करना है नमक सबसे पहले, तो ये 2 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल दें इसको धोने के लिए। तो थोड़ा सा सफ़ेद सिरका, जैसे 4 से 5 टेबलस्पून या इससे थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल दें, क्योंकि हमने इसको धो के निकाल देना है इसके अंदर से। इसको इधर थोड़ा सा, ये देखें, इतना सिरका आपका होना चाहिए कि चिकन के साथ नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह इसको मल के आपने धोना है ताकि इसके अंदर से कोई खून हो वो निकल जाए, चिकन की जो स्मेल आती है इसके अंदर से वो निकल जाए। तो इसको मैं इधर वॉश करता हूँ, और इसके बाद आपने क्या करना है कि जब इसको आप अच्छी तरह, आपको लगे कि आपने 5-1 मिनट तक इसको मल के इधर धो लिया अच्छी तरह सिरके और नमक से, फिर आपने इसको अच्छी तरह धो देना है। मतलब इसके अंदर से पानी गुजार के 3-4 दफ़ा पानी निकाल देना है, ताकि इसका जो नमकीन जायका और सिरके की खटास है वो निकल जाए इसके अंदर से। गोश्त को हमने धो लिया, ये देखें, ये इसके अंदर एक सफ़ेदी आ जाएगी इस तरह कि इसको हमने सिरके से धोया तो इसके अंदर से जो इसकी स्मेल है वो भी निकल गई, और इसके अंदर से खून वगैरह वो भी निकल गया। अब इसकी हमने करनी है पहली मैरिनेशन, जो कि सिर्फ देसी मसाले इस पूरी रेसिपी के अंदर जाएंगे, कोई हम फैंसी चीज़ें नहीं जाएंगे जैसे हम फ्राइड चिकन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक देसी रेसिपी है। इसके अंदर 3 चीज़ें हमने शामिल करनी है इस पॉइंट पे, जो कि इस चिकन की एक्चुअली मैरिनेशन होगी। दूसरी चीज़ इसके ऊपर कोटिंग आएगी, उसकी अलग से उसके अंदर मसाले जाएंगे। ये देखें, हम डालेंगे इसके अंदर 2.5 टीस्पून नमक, के बाद इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, तो लाल मिर्च इसके अंदर हमने डालना है 3 टीस्पून, और आखिरी चीज़, क्योंकि ये चिकन जो है जब इसको हम खाते हैं तो ये अंदर से सफ़ेद नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कलर होता है थोड़ा सा, तो उस कलर के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी। तो ये तकरीबन मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है ये हल्दी इसके अंदर शामिल कर दूंगा। ये 3 चीज़ें इस टाइम पे जाएंगी इसके अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। ये सारे जो तीनों मसाले हैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि ये चिकन के ऊपर लग जाएँ, हल्दी से कलर आ जाए, लाल मिर्च और जो नमक है ये भी जो है इस चिकन के ऊपर अच्छी तरह लग जाए। इसको हमने 10 मिनट के लिए इधर छोड़ देना ताकि ये अब्ज़ॉर्ब हो जाए थोड़े से अंदर। 10 मिनट तकरीबन गुजर जाए, 10-15 मिनट, तो इसको हमने डालना है बॉयल होने के लिए। तो ये इधर मैंने एक पतीले के अंदर पानी डाला हुआ है जिसके अंदर हम इसको बॉयल करेंगे। अब ये जो चिकन है ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह। इसको हमने तकरीबन इधर जब पानी को जोश आ जाए 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल करना है। चिकन जब तकरीबन 7-8 मिनट पक जाए इसके अंदर, तो ये देखें, ये इस तरह की कंडीशन बन जाएगी इसकी कि आधा तकरीबन जो है वो गल चुका होगा, आप हाथ से तोड़ेंगे तो बोटियां टूट भी जाएंगी। तो इसको जो है हमने निकाल लेना है किसी बर्तन के अंदर इस पानी में से। चिकन हमारा तैयार हो गया था, इधर देखें, इसको बॉयल किया हुआ हमने, तो ये तकरीबन आधा पका हुआ है, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही है। इस तरह इसको करने का मकसद ये होता है कि जो चिकन है ये नरम रहे अंदर से, फ्राई करने के बाद हार्ड ना हो। अक्सर क्या होता है जब चिकन पकौड़ा बनाते हैं चिकन अंदर से हार्ड हो जाता है, और अगर लाइट का थोड़ा मसला आ रहा हो तो लाइट नहीं है इस टाइम पे, कोशिश तो यही है कि आपको बेहतर नज़र आए। तो अब हमने इसके मसाले डालने हैं, और सबसे अहम बात कि इसके अंदर हम क्या चीज़, इसकी कोटिंग के अंदर क्या चीज़ शामिल करेंगे। अगर पकौड़ा बना रहे हैं और उसके अंदर बेसन ना जाए तो वो पकौड़ा नहीं रह जाता, तो ये चिकन पकौड़ा है इसलिए इसकी कोटिंग के अंदर बेसन ही जाएगा।
उससे पहले सबसे पहले हम मसाले ऐड कर लेते हैं। मसालों के अंदर नमक जाएगा सबसे पहले, नमक हमारे चिकन के अंदर ऑलमोस्ट पूरा है, थोड़े से नमक की ज़रूरत है, तो कोटिंग के लिए हम जो है वो नमक शामिल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि उबालते हुए हमने नमक और मिर्चें शामिल की थी। एक टीस्पून नमक आपने डाल लेना है, ये 2 kg चिकन है, थोड़ा सा आप ज़्यादा करना चाहें तो कर लें, बाकी आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। इसके अंदर लाल मिर्च जाएगी, लाल मिर्च हमने पहले भी शामिल की हुई है, इसलिए हम जो मसाले अब शामिल करेंगे वो कम ही जाएंगे थोड़े, तो 1.5 teaspoon हमने लाल मिर्च शामिल करनी है, तो ये 1.5 teaspoon लाल मिर्च का चला जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है चाट मसाला। आप कोई भी चाट मसाला ले लें, बाज़ार का ले लें, अगर घर के अंदर बना के रखा हुआ है तो वो ले लें। ये मसाला हमने इसी किचन के अंदर बनाया था, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप अगर उसको देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको बना के रख सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। 2 teaspoon उसके बाद इसके अंदर आपने शामिल करना है, ये है मेरे पास इमली का पल्प, इसके अंदर गुठलियाँ नहीं शामिल करनी, सिर्फ ये जो पल्प है ये आपने इसके अंदर शामिल करना है, जो कि 1 tablespoon जाएगा, इस तरह थिक पल्प। 2 kg मैं आपको चिकन की रेसिपी बता रहा हूँ, तो ये 1 चम्मच इमली का पल्प जो कि इसके अंदर एक खटास वो पैदा करेगा। ज़ीरे के बगैर कोई भी रेसिपी इस तरह की नामुकम्मल है, तो ये ज़ीरा मैं शामिल कर रहा हूँ। इसके अंदर ये डालेंगे हम 2 teaspoon, धनिया हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा बस खुशबू के लिए, तो ये जो है 1 teaspoon से थोड़ा सा कम हम धनिया शामिल करेंगे। तो ये वो मेन मसाले हैं जो इसके अंदर जा रहे हैं, गरम मसाला इसके अंदर हम नहीं शामिल करेंगे, हम चाट मसाला शामिल किया हमने, हमें इस रेसिपी के अंदर खटास चाहिए, तो चाट मसाले के अंदर गरम मसाले वाली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वो हमारा इधर चला जाएगा। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल करने हैं, लाल मिर्च जो है कुटी हुई, या आप 1/2 teaspoon 1 teaspoon के बराबर अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो ये इसके अंदर जाएगी। काले मिर्च सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर यही देसी मसाले जाएंगे। अब जो है इसके अंदर एक आखिरी एक चीज़ जो लिक्विड जाएगा जो कि इसके साथ मिक्स होके, जिसके अंदर हम बेसन मिक्स करेंगे, वो पानी नहीं है, पानी आपने नहीं शामिल करना, दही शामिल करना है। दही से चिकन पकौड़े के अंदर जो सॉफ्टनेस होती है वो आएगी, ऊपर से खस्ता होगा अंदर से नरम होगा। ये लें जी, तो ये तकरीबन आधा किलो दही शामिल करके इसको, इस मसाले को इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये 1/2 किलो बेसन है मेरे पास, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे हमने, पतली इसकी, थोड़ी पतली हमने इसकी पेस्ट बनानी है, इसको हम ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। ये दही मुझे इसके अंदर कम लग रहा है, आप अगर आपका दही पतला हो तो कम जाएगा, ये काफ़ी गाढ़ा दही है, तो हम दही इसके अंदर और शामिल कर देंगे। ये तकरीबन अब 3 पाव के करीब दही चला गया, इसके अंदर अब इसी तरह हम थोड़ा और बेसन शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने अभी जो है 250 ग्राम के करीब बेसन इसके अंदर शामिल किया है, ज़्यादा नहीं किया, तो इसको जो है अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, मसाले मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह। ये देखें अब जो है ऑलमोस्ट ये मिक्स हो चुका है, तो हम ये चिकन जो है इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि ये पूरे चिकन के ऊपर लग जाए, और इसको जो है आपने दोनों हाथों से इस तरह मिक्स कर लेना, और बहुत मोटी कोटिंग नहीं चढ़ानी इसके ऊपर, सिर्फ हल्का हल्का इसके ऊपर बेसन लग जाए। अगर आपका बेसन थिक होगा तो क्या मसला आपको आएगा कि ये ऊपर एक पेस्ट बन जाएगी जो कि सख्त होके फ्राइंग के बाद एक बहुत बुरा एक टेक्सचर देती है इसके ऊपर। चिकन हमारा जो है वो मैरिनेट हो चुका है, मतलब इसके ऊपर हमने जो बेसन लगाया था, दही लगाया था, वो अच्छी तरह इसके ऊपर लग चुका है। इधर आप करीब से देखें तो ये देखें कि बिल्कुल हल्की सी बारीक सी इसके ऊपर एक कोटिंग है बेसन की, हमने पेस्ट नहीं चढ़ानी, इसलिए आपने इस पेस्ट को थिक नहीं करना ज़्यादा। अब आपने क्या करना है कि ये मेरे पास हैं तिल, सफ़ेद तिल हैं, इस चिकन के ऊपर हमने अच्छी तरह ये फैला देने हैं, या आप जो पीस अंदर डाल रहे हैं उसके ऊपर इस तरह ये तिल लगाएँ और इसको जो है अंदर डालते जाएँ। इससे क्या होगा कि बड़ा एक अच्छा और बेहतरीन जो पकौड़ा है उसकी हमें शक्ल मिलती है, और इसको चिकन पकौड़े के ऊपर तिलों को लगाया जाता है इस तरह। तो ये देखें जी, इसको हम ड्रॉप करेंगे इधर ऑयल के अंदर, तकरीबन ये अगर टेम्परेचर की बात करें तो 130-135 पे गर्म होना चाहिए। आप 8 से 10 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम की तरफ करके गर्म करेंगे तो आपका ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा। अब इस चिकन को इस ऑयल के अंदर डालेंगे और इसको जो है हमने फ्राई कर लेना है। ये देखें इस तरह ऑयल के अंदर उसी टाइम जोश आना चाहिए जब आप इसके अंदर चिकन को शामिल करेंगे, फिर जो है आपका बेहतर चिकन फ्राई होगा। अब जो है
ये देखें ये जो तिल हैं ये मैं ऊपर डाल रहा हूँ इधर, तो जितने तिल आप लगाना चाहें, थोड़े ज़्यादा कम जितने भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अब एक एक करके जो है ये मैं इसके अंदर शामिल करता जाऊँगा। एक एक करके शामिल करने का मकसद ये होता है कि ये जो चिकन है ये अंदर चिपके ना, क्योंकि इसके ऊपर बेसन है, अगर टेम्परेचर आपका कम होगा तो ये चिपक भी सकता है। कुछ एक से डेढ़ मिनट के बाद मैं इनको हिला रहा हूँ ताकि ये जुड़े ना। ये देखें कैसा बेहतरीन कलर आ रहा है, और इसको आपने पेंदे के साथ नहीं लगे रहने देना वरना ये जल जाएंगे वहाँ से। ये देखें इस तरह तिल माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं इनके ऊपर, तो तिल का इस्तेमाल भी आप ज़रूर करें, और बहुत ही बेहतरीन जो है ये फ्राई हो रहे हैं। इनको हमने इधर जो टाइम देना है वो 8 से 10 मिनट है। अगर आपका चिकन आपने ज़्यादा बॉयल करते हुए थोड़ा ज़्यादा खड़ा रखा हुआ है, कच्चा रखा हुआ है, तो आप 10 मिनट दें, वरना इनको 7 से 8 मिनट काफ़ी हैं। तो लाइट ब्राउन हल्की आग पे आपने इसको पकाना है। जब एक दफ़ा टेम्परेचर तेज़ हो जाए, मतलब 130-135 पे पहुँच जाए चिकन डालने के बाद, आग को स्लो कर देना है, वरना ये इंस्टेंटली डार्क हो जाएंगे, क्योंकि बेसन है जल्दी पकता है। इसको जल्दी काला होने से बचाने के लिए आपने टेम्परेचर लो करना है, और फिर उसी टेम्परेचर पर इसको 8 से 10 मिनट पका लेना। तो जी इनको हमने तकरीबन इधर 8 मिनट पका ली है, और ये हमारा चिकन पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। इनको जो है मैं इधर से निकालता हूँ और बाकी के फ्राई करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें इस तरह की कंडीशन होगी इसको जब आप कढ़ाई में से निकालेंगे, ज़बरदस्त तिल ऊपर ही लगे हुए हैं। तो हमारे जी पकौड़े तैयार हैं, ये देखें करीब से एक लुक लें इसकी, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। और हमारी जो एक डिप सॉस है जो मैंने इसके साथ तैयार की है, ये दही पुदीने की चटनी है। इसकी रेसिपी जो है इंशाल्लाह अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो के अंदर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब जो है हमने करना है इसको टेस्ट, अंदर से किस तरह की लुक है इसकी, क्या इसका है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि ये देखें हम एक पीस लेते हैं, ये लेग पीस है जो ड्रमस्टिक होती है वो, तो इसको मैं तोड़ता हूँ इधर से कि अंदर तक पकी है या नहीं पकी। ये देखें बिल्कुल अंदर से जूसी और सॉफ्ट चिकन है, और ये ऊपर जो इसका बिल्कुल हल्की सी लेयर है क्रिस्पीनेस के लिए जो हमने ऊपर बेसन लगाया है, और बड़ा एक अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। तो इसको जो है टेस्ट करते हैं कि किस तरह का हमें फ़्लेवर मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी जो ऑथेंटिक एक पकौड़े का टेस्ट होता है ना चिकन पकौड़े का, वो हमें इधर मिल रहा है। आप इसको ट्राई करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन टेस्ट मिलेगा। नमक मिर्च हर चीज़ बराबर है, जो हमने इमली डाली थी अगर आपको याद हो थोड़ी सी खटास के लिए, वो एक बड़ा एक फ्यूजन पैदा कर रही है मसालों के साथ, और दही की वजह से एक एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस चिकन के अंदर आ जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।